हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माय सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं निमांस की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है निमांस की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु की तरफ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 4 जनवरी 2023 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी नर्स पोस्ट की। कम्युनिटी नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कंसोलिडेटेड पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर कम्युनिटी नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट जिसका टाइटल है असिस्टेड होम केयर फॉर पर्सन विथ मेंटल इलनेस अंडर डॉक्टर कृष्ण प्रसाद एम एडिशनल प्रोफेसर ऑफ सेक्रेटरी PI। तो कम्युनिटी नर्स की जो टोटल पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं कम्युनिटी नर्स के लिए, यानी कि 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रखा गया है, मीन्स 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर जो है 20,000 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड पेमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही डिजायरेबल में है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ में काम करने का एक्सपीरियंस है आपके पास BSc नर्सिंग के बाद एटलीस्ट 1 ईयर का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रोफिशिएंसी है इन कनाडा लैंग्वेज, कनाडा में आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आना चाहिए और हिंदी स्पीकिंग भी पता होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका नेचर ऑफ वर्क जो रहेगा मैनेजिंग द हेल्पलाइन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, होम विजिट्स एंड टेली कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, प्लान एंड कलेक्ट आउटकम डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट, एनी अदर रोल रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट असाइन बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, ये आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। बाकी ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट की बात करें तो 12 मंथ के लिए आपका रहेगा इनिशियल में, जिसमें से इनिशियल रिक्रूटमेंट 6 मंथ के लिए रहेगा। उसके बाद जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहता है उसके बेस पर आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल एड्रेस पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो उनको अपना रिज्यूम और CV, रिज्यूम या CV अपना सेंड करना है। कवरिंग लेटर पर आपका जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल या डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है, ओनली रिज्यूम या CV कर सकते हैं, और कवरिंग लेटर एक्सप्लेनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोजिशन जो भी है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट उनको मेंशन करना है नोटिफिकेशन नंबर और डेट, इसके साथ ही पोजीशन अप्लाइड फॉर, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है जब भी आप ईमेल कर रहे हैं। सो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 25th of January 2023 है। सो इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको वेबसाइट पर जाकर वह यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।